नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की सबसे वायरल न्यूज़, गुजरात में बीजेपी ने ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ इलेक्शंस को जीता है और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई है, कांग्रेस जीत गई है। 68 में से 40 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हिमाचल में मिली है कांग्रेस को। और गुजरात में तो बीजेपी को एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट से भी एक स्टेप आगे बोलूंगा, मेजॉरिटी मिली है। क्योंकि गुजरात के अंदर अगर आप देखो तो 182 असेंबली सीट्स में से 156 बीजेपी ने जीते, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम इज द लॉ। जब तक सरकार कोई नया लॉ नहीं लेके आती जुडिशियल अपॉइंटमेंट के ऊपर, तब तक जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है, इसके बारे में बात करेंगे। राज्यसभा ने वाइल्ड लाइफ बिल को पास किया है, पास करते वक्त एलिफेंट को प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट मिनिस्टर साहब क्या बोल रहे हैं इसको देखेंगे। जीएम मिस्टर्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ये जो 11 सीट्स है जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल हुई है, उसकी फील्ड ट्रायल से रिलेटेड साइंस मिनिस्टर साहब यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पेरू में नया प्रेसिडेंट चुन के आया, एक लेडी प्रेसिडेंट है। पेरू के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, क्या है वो पॉलिटिकल क्राइसिस, कैसे जो पेरू का लेजिस्लेचर है वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा स्ट्रांग है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत करेंगे। एडिटोरियल आजकल बहुत हद तक पॉलिटिकल है, चूँकि दो राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट निकल के आए हैं, गुजरात के और एक हिमाचल प्रदेश के, तो ऑब्वियसली बात है पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, तो थोड़ी बहुत बातें करेंगे। एक आर्टिकल जो सबसे नॉलेजफुल है आज एडिटोरियल में, वो है जर्मनी विल हैव टू टैकल द फार राइट एलिमेंट्स पॉलिटिकली। रिसेंटली जर्मनी में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया, ऐसा बताया जा रहा था कि ये 25 लोग फार राइट आइडियोलॉजी को अधेयर करते हैं और ये जर्मनी के अंदर एक कूप लाने की बात कर रहे थे। सोचिए अफ्रीका की कंट्रीज में माली हो गया, ये सब कंट्रीज में तो हम लोग कूप तख्ता पलट सुनते रहते हैं, बट जर्मनी में कूप होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये न्यूज़ क्या है इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये जर्मनी वाला ही है। ओके, वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब बुरे और अच्छे समय में एक साथ रहना। जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स एंड म्यूजिक स्टे बाय योर साइड थ्रू थिक एंड थिन। अगर आपका समय कितना भी खराब है लेकिन कोई इंसान आपके साथ है, तो मतलब ही स्टेइंग विद यू थ्रू थिक एंड थिन। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की वीडियो फॉर नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। चलिए जीएस पेपर टू इलेक्शंस, बीजेपी स्वीप्स गुजरात, कांग्रेस रेस्ट हिमाचल। तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हिस्टोरिक मैंडेट के साथ जीत गई है, 182 सीटों में 156 सीटें जीती हैं गुजरात में। इससे पहले का रिकॉर्ड था 1985 के इलेक्शंस में, कांग्रेस पार्टी ने 182 में 149 सीट्स जीती थी, उसको भी क्रॉस कर दिया यहाँ पे बीजेपी ने 156 सीट्स। बीजेपी का वेट शेयर है 52.5%। 2017 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 49% था, जो कि इस बार हो चुका है 52.5%। कांग्रेस की अगर आप बात करो तो कांग्रेस ने केवल 17 सीटें जीती हैं और कांग्रेस का वोट शेयर है 27.3%। सबसे बुरी बात यह है कि 2017 में कांग्रेस ने 77 असेंबली सीट जीती थी गुजरात में और इस बार केवल 17, मतलब कांग्रेस बहुत बैक फुट पे चली गई है गुजरात के अंदर। और अगर आप देखो तो आम आदमी पार्टी, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिव परफॉर्मेंस थी भी नहीं अच्छी, आम आदमी पार्टी ने 13% वोट शेयर जीते और 5 असेंबली सीट जीती है। तो भूपेंद्र पटेल जो कि अभी गुजरात के सीएम है, वही सीएम रहेंगे। 1.29 लाख के वोट के मार्जिन से गठलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भूपेंद्र पटेल भी एमएलए बन चुके हैं। नई सरकार गुजरात के अंदर 12 दिसंबर को बनेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 40 कांग्रेस ने जीती है, बीजेपी को मिली है 25 और बची हुई 3 गई है इंडिपेंडेंट के पास। 2017 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 44 जीती थी, कांग्रेस ने 21 जीती थी। देखिए हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे दो लगातार टेन्योर किसी भी एक सरकार को मिलते नहीं, मतलब एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा था, उत्तराखंड में इस बार बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि बीजेपी को लगातार दो टर्म मिल गए और बीजेपी को ये उम्मीद थी कि इस साल हिमाचल प्रदेश में भी ट्रेंड टूटेगा। बीजेपी ये नारा दे रही थी, राज नहीं रिवाज बदलेगा, मतलब बीजेपी की सरकार और जो रिवाज है कि बीजेपी हटेगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस हटेगी तो बीजेपी आएगी, तो बीजेपी कह रही थी राज नहीं, मतलब राज उनका ही रहेगा, रिवाज बदलेगा। रिवाज मतलब इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो हटती थी वो हम बदल देंगे, इनकम्बेंट गवर्नमेंट ही फिर से आएगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं। इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नारा चला राज बदलेगा, बीजेपी की सरकार हटी और कांग्रेस की सरकार आ गई। ओके, अब उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी ही साइजेबल पॉपुलेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की है,
तो ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आप कह लो एक प्लस पॉइंट रहा होगा कांग्रेस की जीतने के लिए। बीजेपी ने डबल इंजन पिच की बात की थी, बीजेपी ने बोला था कि भाई देखो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार आ जाती है तो हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। बट शायद हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये पर्टिकुलर प्रॉमिस पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बीजेपी को जिताया नहीं। आम आदमी पार्टी की बात करो तो भले पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई थी, गुजरात में एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है। हाँ, गुजरात में इलेक्शंस जीतने के चलते, इलेक्शन जीतने मतलब 13% वोट शेयर और 5 सीटें जीतने के चलते आम आदमी पार्टी को ओवरऑल पूरे इंडिया में परफॉर्मेंस के चलते नेशनल पार्टी का स्टेटस तो देखो अब मिल ही जाएगा, क्योंकि पंजाब में जीत चुकी है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है आप कह लो आम आदमी पार्टी ने यूपी में और कुछ और स्टेट्स में, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी गुजरात की परफॉर्मेंस के पास इट इज एलिजिबल फॉर नेशनल पार्टी स्टेटस। नेशनल पार्टी स्टेटस क्या होता है मैं लक्ष्मीकांत बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ पे भी मैंने एक ब्रीफ में डाल दिया है कि ओवरऑल एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कब कंसीडर की जाती है, 3 कंडीशंस आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मेरी लक्ष्मीकांत की सीरीज खोलिए, नेशनल पार्टी आप कब होते हो, स्टेट पार्टी आप कब होते हो, ये सब मैंने डिटेल में समझा रखा है। नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 जुडिशरी, अंटिल गवर्नमेंट ब्रिंग्स न्यू लॉ ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम इज द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है कि भाई हमने सरकार को रोका नहीं है एक नया लॉ लाने के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। सरकार 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आई थी जिसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉलेजियम इज करेक्ट और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो कॉलेजियम के थ्रू बना हुआ है वो करेक्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉलेजियम फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस हिसाब से सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके कोई नियम कानून लेके नहीं आ सकती। लेकिन अब एक नया ही आप कह लो सिस्टम सुनने में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब ये बोल रहा है कि भाई हम सरकार को इस बात से रोक नहीं रहे कि आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई नया कानून लेके आइए। अब अगर कॉलेजियम सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो सरकार कोई नया कानून लेके नहीं आ सकती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि भाई हम आपको नहीं रोक रहे कोई नया कानून लाने से, अगर आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई नया कानून लेके आना चाहते हैं बिल्कुल लेके आइए, जब तक आप नया कानून लेके नहीं आओगे तब तक अभी का कॉलेजियम सिस्टम और मेमोरेंडम प्रोसीजर ही चलेगा। अब कोर्ट यहां पे बोल क्यों रहा है ऐसा, देखिए रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर काम को कि इन्होंने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, इसको क्रिटिसाइज किया। अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखो तो किरण रिजिजू साहब जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट को और कॉलेजियम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन किया है इसके अगेंस्ट किरण रिजिजू साहब ने बोला, फिर अभी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब बोल रहे हैं, ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई। देखिए लगातार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं ना वो सरकार के साथ इस बात पे भिड़ते नहीं है कि कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को आप अपॉइंट कर क्यों नहीं रहे। आपको पता है कॉलेजियम समय समय पे कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा इस रिकमेंडेशन को भेजता रहता है किसके पास, सरकार के पास। अब सरकार अपने हिसाब से किसी चुन के अपॉइंट कर देती है किसी को अपॉइंट नहीं करती है, तो जितने नाम रिकमेंड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा सरकार को लगभग 50% या उससे थोड़े ज़्यादा को फाइनल अपॉइंटमेंट देती है सरकार। अब इस बात को लेके कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भावुक हो जाते हैं और सरकार से पूछते हैं कि भाई आप हमारे द्वारा रिकमेंड किए गए नामों को अपॉइंट कर क्यों नहीं रहे हो, और जब ज़्यादा एग्रेसिवली पूछते हैं तब सरकार भी पलट के जवाब देती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एनजेएसी जिसको सरकार ने एक ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना है वो लाने की कोशिश कर रही थी और आपने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये आपने गलत किया है, आपने विल ऑफ द पीपल को वॉयलेट किया है। दुनिया भर की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जजेस का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव और सरकार के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई कानून लेके आना चाहते हो आप बिल्कुल लेके आओ, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन जब तक कोई नया कानून नहीं आता तब तक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से ही होंगी, ये बात भी बिल्कुल क्लियर रख दो। तो सुप्रीम कोर्ट भी अड़ा हुआ है कि हम तो अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से ही करेंगे। तो एक प्रकार का ब्लेम गेम पिंग पोंग बैटल यहाँ पे जारी है। अब इसमें होता यह है कि बहुत सी हाईकोर्ट की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अभी रिसेंटली 19 नामों की लिस्ट फिर से भेजी थी कॉलेजियम ने सरकार के पास रिकमेंडेशन के मतलब अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें कुछ फ्रेशली सिलेक्टेड नाम थे और कुछ पुराने नाम थे री रिकमेंडेड नाम थे जिनको सरकार ने वापस भेज दिया कॉलेजियम के पास, मतलब कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को सरकार ने माना नहीं। कॉलेजियम की एक और शिकायत है कि वाल लोग
कोलेजियम 10 नाम की लिस्ट भेजता है केंद्र के पास, तो केंद्र उस 10 में से मान लो 4 ही सिलेक्ट करेगा या 5 ही सिलेक्ट करेगा, बाकी 5 को रिजेक्ट कर देगा, और वो 5 भी वो सिलेक्ट होंगे जो बाकियों से जूनियर हैं। तो इसके चलते जो लोग भी जज अपॉइंट होते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर एक सीनियोरिटी मिसमैच भी आ जाता है जजेस के अंदर। देखिए एक बड़ी खास बात यह होती है कि सीनियोरिटी कितनी है। अगर आप देखोगे तो कॉलेजियम में भी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनता है जो सीनियर मोस्ट है। तो सीनियोरिटी बहुत मैटर करती है जुडिशरी में, लेकिन जब बात आती है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट की, तब सीनियोरिटी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक जूनियर अपने सीनियर से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो कॉलेजियम सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही है, सरकार कॉलेजियम के ऊपर इल्जाम लगा रही है, सरकार खुद भी कुछ रोल चाहती है जजेस के अपॉइंटमेंट में, सरकार को कोई रोल मिला नहीं है। अपॉइंटमेंट की पूरी जिम्मेदारी कॉलेजियम ने अपने हाथ में ले रखी है और कॉलेजियम जुडिशरी के कंट्रोल में, खासकर सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में। तो इस बात को लेके ब्लेम गेम यहाँ पे चालू है। सफर आम आदमी कर रहा है, रीजन बीइंग कि हाई कोर्ट में इन वैकेंसीज के चलते बहुत सारे केसेस, आपको पता है जुडिशियल पेंडेंसी कितनी है, तो जुडिशियल पेंडेंसी की वजह से केस की पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, जजेस है ही नहीं उसको सुनने के लिए। उसके साथ साथ हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न मतलब अब भैया 10-15 नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड किए, उसमें से 5-6 नाम ही अप्रूव किए सरकार ने, और वो भी जूनियर वालों के कर दिए जिनकी सरकार से अच्छी बनती, सीनियर वालों की किए नहीं। तो सीनियर वालों को तो खलेगा ना, क्या मेरा जूनियर जाके हाई कोर्ट में जज बन के बैठा है और मैं अभी वकील ही हूँ या अभी मैं बार का मेंबर ही हूँ। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रही हैं। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2, पार्लियामेंट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, राज्यसभा क्लियर्स वाइल्ड लाइफ बिल, मिनिस्टर प्रॉमिसेस टू प्रोटेक्ट एलिफेंट। तो भैया राज्यसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 को यहाँ पे पास कर दिया है। लोकसभा ने अगस्त में मॉनसून सेशन के समय पे ही इसको पास कर दिया था, ठीक है ना भाई। ओवरऑल इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल को एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, इससे और जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, खासकर हाथियों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब ने बोला है कि एलिफेंट्स विल बी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो तो बहुत सारा अपोजिशन भी निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को। वैसे मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल की स्क्रूटनी की है पार्लियामेंट्री पैनल ने, ठीक है। पार्लियामेंट्री पैनल ने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को देखा है, अपने अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए हैं कि कैसे प्रोटेक्टेड एरियाज को बेटर प्रकार से मैनेज किया जा सकता है इस बिल के थ्रू, कैसे शेड्यूल्स को रैशनलाइज किया जा सकता है, जो कि मेंशनड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। बहुत सारे अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग प्रकार की प्रोटेक्शन दे रखी है ना जानवरों को, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर इस बिल के अंदर ये प्रोविजंस है कि किस प्रकार से प्रोटेक्टेड एरियाज का बेटर मैनेजमेंट होगा, कौन कौन सी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर अलाउ किया जा सकता है, किस प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर को और जो भी अवेलेबल नेचुरल वाटर है इसका प्रयोग किया जाएगा हाउस होल्ड्स में लोकल कम्युनिटीज के द्वारा जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज में रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके ओवरऑल यहाँ पे नियम कानून है। अब अपोजिशन किस बेसिस पे आ रहा है, तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देवी जी ने यहाँ पे बोला है कि लाइव एलिफेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेके एक ह्यूज डिस्क्रिप्शन दे के रखा गया, मतलब जानवरों को कुछ स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो अलाउड। जैसे फॉर एग्जांपल केरला में एलिफेंट का एक बहुत बड़ा रिलीजियस आप कह लो सिग्निफिकेंस है। अक्सर कर मैं न्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो देवास्वम बोर्ड है केरला का, वहाँ पे अक्सर कर टेम्पल्स के सेलिब्रेशन में एलिफेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझे। तो इस कंटेक्स्ट में एलिफेंट के साथ एक रिलीजियस वैल्यू जुड़ी हुई है, तो ठीक है भाई, रिलीजन के रिस्पेक्ट में जानवरों वगैरह का प्रयोग किसी टेम्पल सेलिब्रेशन में किया जा सकता है उनको ध्यान देते हुए। लेकिन लेकिन यहां पे जयराम रमेश साहब ने क्या बोला कि भाई नेशनल हेरिटेज है एलिफेंट। अब जो स्टैंडिंग कमिटी है वो एलिफेंट की रिलीजियस सिग्निफिकेंस को तो मान रही है, लेकिन रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ एनी अदर पर्पस लिख रखा है। ये एनी अदर पर्पस क्या है जिसके लिए एलिफेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ओवरऑल अपोजिशन का ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 में कुछ ऐसे लूप होल छोड़ दिए गए हैं जो लूप होल कहीं ना कहीं एनिमल प्रोटेक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। प्लस ओवरऑल अगर आप देखो तो सुष्मिता देवी जी का यह भी बोलना है कि सेक्शन 27 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को कॉम्प्रोमाइज कर देगा ये अमेंडमेंट। अब आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 27 क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ये बेसिकली सेक्शन 27 बात यह करता है कि एक सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शन किस हिसाब से काम करेगी एंट्री पे। आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी मुंह उठा के नहीं घुस सकता, कुछ कंडीशंस हैं। एक पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी पे है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकता है, ठीक है ना। एक पर्सन जिसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने ऑथराइज किया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जा सकता है।
एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका इमूवेबल प्रॉपर्टी घर ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकता है, ठीक है ना। पब्लिक हाईवे अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकल रहा है और आप पब्लिक हाईवे को यूज कर रहे हो तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकल सकते हो, सिर्फ पब्लिक हाईवे के इस्तेमाल के रिस्पेक्ट में। और जो पब्लिक सर्वेंट है ड्यूटी पे या जिसको चीफ वाइल्ड लाइफ लॉ ऑर्डर ने ऑथोराइज किया है या जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके जो डिपेंडेंट्स हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट भाई, अब धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को लेके काफी बहस चल रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन, मतलब इसको अप्रूव कर दिया था। इस बारे में करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कशन किया और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके कुछ पेटिशनर्स भी पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से बोला है कि एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करिए जिसमें आप बताइए कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को इंट्रोड्यूस करने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि जो नॉर्मल मस्टर्ड के रिस्पेक्ट में हमारे देश में मस्टर्ड की बहुत सी वैरायटीज हैं तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड के एक्स्ट्रा कर लेगी। तो इस कंटेक्स्ट में केंद्र की सरकार ने अपना सबमिशन दिया था कि भाई देखिए ये एक पॉलिसी डिसीजन है, ओवरऑल हमारे देश में ऑलरेडी मस्टर्ड की वैरायटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नई वैरायटीज नहीं ला सकते, जो कुछ भी हुआ है पॉलिसी के हिसाब से हुआ है, हमने कोई लॉ वायलेट नहीं किया। इसी कंटेक्स्ट में राज्यसभा के अंदर यूनियन साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह साहब ने रिटन रिस्पॉन्स में बताया है कि जो ट्रांसजेनिक मस्टर्ड वैरायटी है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 ये हायर यील्डिंग है, ठीक है ना, और ये लोकल इकोलॉजी में हनी बीज की पॉलिनेशन हैबिट्स को भी आप कह लो अल्टर नहीं करेगी। देखिए क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके हमेशा एक इशू रहा है। इंडिया के अंदर अगर कोई ट्रांसजेनिक सीड अलाउड है कल्टीवेशन के लिए तो वो है बीटी कॉटन। अभी के लिए धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को अप्रूवल दिया गया है जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच चुका है। अप्रूवल दिया गया है GEAC के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है एक्सपर्ट्स की। इसको ऑथराइज किया गया है यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की सेफ्टी को देखने के लिए, ठीक है ना भाई। तो कुल मिला के पूरे पॉलिसी मैटर्स को ध्यान में रखते हुए ही ओवरऑल इस पर्टिकुलर सीड को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्र की सरकार द्वारा। मतलब केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड के अप्रूवल को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। अब इसके रिस्पेक्ट में केंद्र की सरकार ने यह भी बोला है कि नेशनल चेक वरुण और जोनल चेक RL1359 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है DMH11 का। DMH11 28% ज्यादा यील्ड देता है नेशनल चेक से और 37% ज्यादा यील्ड देता है जोनल चेक से। अब आप बोलोगे चेक क्या होता है? तो बेसिकली चेक रेफरेंस वेराइटीज है मस्टर्ड की। मस्टर्ड की कुछ पर्टिकुलर सीड्स को रेफरेंस वैरायटीज की तरह रखा गया है और ओवरऑल अगर आप कोई नई सीड उसकी लेके आ रहे हो तो नई सीड को इस बेसिस पे अप्रूवल मिलेगा कि वो नेशनल चेक और जोनल चेक से ज्यादा यील्ड दे रही है। अब जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इसको लेके ऑलरेडी बहुत सारे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। अब जब तक धारा मस्टर्ड हाइब्रिड अपनी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल नहीं दिखाएगी तब तक इसको अप्रूवल नहीं दिखेगा और परफॉर्मेंस इसने एक्सेप्शनल दिखाई है। जो नेशनल वैरायटी सीड है वरुणा उसके रिस्पेक्ट में 28% ज्यादा यील्ड प्रोवाइड कर रही है ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड और रीजनल वैरायटी RL1359 के रिस्पेक्ट में 37% ज्यादा यील्ड दे रही है। तो इसलिए सरकार भी कह रही है कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 कहीं ना कहीं यील्ड बढ़ा सकती है मस्टर्ड की। और रही बात ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर, तो भैया सरकार का बोलना है कि GEAC प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस को देखने के बाद, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट पे इंपैक्ट देखने के बाद ही यहाँ पे फील्ड ट्रायल्स करके अप्रूवल दिया गया है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को। और अभी भी इसकी ओपन कॉमर्शियल खेती नहीं होगी, अभी भी कई सालों तक इसकी खेती ट्रायल बेसिस पे ही होगी और उसके रिजल्ट्स के आधार पर कुछ हो सकता है 4-5 साल के बाद इसको कॉमर्शियल बेसिस पे मार्केट में उतारा जाए। इसकी टॉक्सिसिटी, एलर्जेनिसिटी, कंपोजिशनल एनालिसिस, फील्ड ट्रायल, एनवायरमेंटल सेफ्टी के ऊपर एक्सटेंसिव स्टडीज ऑलरेडी कंडक्ट की गई है। एक और क्वेश्चन है कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को एक हर्बिसाइड टॉलरेंट सीड क्यों नहीं बोला गया? देखिए हर्बिसाइड टॉलरेंट सीड क्या होता है कि आप पर्टिकुलर पौधे को उगा रहे हो और उसमें हर्बिसाइड डालो तो हर्बिसाइड डालने के चलते वो पौधा खराब ना हो, तो ऐसे पौधे को आप हर्बिसाइड टॉलरेंट बोलते हो। अब टेक्निकली इस पर्टिकुलर DMH11 में एक बार जीन है जो कि इसको हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाता है, उसके बाद भी सरकार बोल रही है कि हर्बिसाइड्स को इस्तेमाल नहीं करना है DMH11 के साथ। तो फार्मर्स का डर ये है और बाकी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का डर ये है कि अगर आप DMH11 में हर्बिसाइड इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे फार्मर्स इस्तेमाल करेंगे ग्लाइफोसेट नाम का वीडीसाइड। और ये जो ग्लाइफोसेट नाम का वीडीसाइड है दिस इज प्रोबेबल कार्सिनोजन, प्रोबेबली ये कैंसर कॉज कर सकता है।
तो इस कंटेक्स्ट को लेके भी कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो चिंतित हैं। तो इस पर्टिकुलर डीएमएच 11 के साथ ये जो ग्लाइफोसेट वाला इशू है ना वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हर्बिसाइड इस्तेमाल नहीं कर सकते आप डीएमएच 11 के साथ, ये तो सरकार ने नियम नहीं बोल दिया, तो ग्लाइफोसेट इस्तेमाल होगा। अब ग्लाइफोसेट को इस्तेमाल से रिलेटेड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसी साल नियम कानून निकाले हैं कि ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि दिस इज अ प्रोबेबल कार्सिनोजन। अभी हाइब्रिड हर्बिसाइड इस्तेमाल नहीं करोगे डीएमएच में तो ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करोगे, ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करोगे तो लोगों की हेल्थ की रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी। तो ये सारी बातें चल रही है, लेट्स सी क्या फाइनली यहाँ पे निकल के आता है, जब भी आएगा बताऊंगा। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर टू इंटरनेशनल न्यूज, पेरू में हिला हुआ है पॉलिटिक्स, नई वहां की प्रेसिडेंट बनी है डीना बोलार्टी। प्रेसिडेंट तो देखो ये बन गई है, बट ये लंबे समय तो कुर्सी पर टिक पाएंगी इस बात की बात थोड़े कम है, चूंकि अभी इनको सरकार बनानी है। एक पॉलिटिकल केओस चल रहा है कहां पे आपका, पेरू के अंदर। पेरू के अंदर प्रेसिडेंट थे पेड्रो कास्टिलो, अभी पेड्रो कास्टिलो का होने लगा इम्पीचमेंट। पेड्रो कास्टिलो प्रेसिडेंट है और जो वहां का लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को बिना किसी वजह उसकी कुर्सी से हटा सकता है, कुछ इस प्रकार का संविधान कह लो है आपका पेरू का। पेरू के आप कह लो थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूँ। कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पेरू ये एक यूनिकैमरल बॉडी है, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर है पेरू के अंदर। जो वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पेरू के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस कांग्रेस में वो हैं 130, और इसमें से सबसे ज्यादा जाते हैं लीमा प्रोविंस से 36 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। अब 1993 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पेरू का, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पेरू को बिना किसी वजह के वहां की कांग्रेस इम्पीच कर सकती है। इम्पीच का मतलब समझते हो ना, किसी को उसकी कुर्सी से हटाना, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को इंडिया के अंदर हटाना है तो पार्लियामेंट में उसको इम्पीच कराना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट से नियम कानून पास कराना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो 1993 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेरू के हिसाब से पेरू के प्रेसिडेंट को बिना किसी वजह के इम्पीच कर सकती है कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस में मेजॉरिटी चाहिए होगी उसको इम्पीच करने के लिए। ओके भाई, मतलब कांग्रेस के पास प्रेसिडेंशियल पावर से भी ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट को हटाने की पावर है। तो मतलब लेजिस्लेचर इज मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव इन पेरू, एक बात तो ये आपको समझ में आ गई। फिर पेरू की कांग्रेस इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई करती है, नेशनल बजट को अप्रूव करती है, पेरू कंट्री कितना लोन लेगी बाहर से इस बात को अप्रूवल देती है, ठीक है ना। अगर हमारे मतलब अगर पेरू के प्रेसिडेंट को फॉरेन जाना हो या किसी फॉरेन डिग्निटरी को पेरू के अंदर आना हो तो उसका अप्रूवल भी वहां पे कांग्रेस देगी। ओके, कोई फॉरेन ट्रूप्स पेरू के अंदर आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं ये अप्रूवल भी कांग्रेस देगी। मतलब वहां की कांग्रेस वहां की लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर है। अब इस बात को लेके ये जो पेरू के अभी प्रेसिडेंट थे कौन, पेड्रो कैस्टिलो, इनकी बन नहीं रही थी, ठीक है। वजह यह थी कि कैस्टोलो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं और जो कांग्रेस है वो राइट विंग डोमिनेटेड। अब यहां पे आइडियोलॉजिकल क्लैश आ गया, तो कैस्टिलो की जो प्रेसिडेंशियल सरकार है वो लेफ्टिस्ट है और जो कांग्रेस है आपका पेरू का वो राइट विंग डोमिनेटेड है। तो इसके चलते कांग्रेस ने कैस्टिलो के अगेंस्ट इम्पीचमेंट शुरू करवा दिया। कैस्टिलो ने बोला मैं तुम्हारी इस इम्पीचमेंट पिटीशन को मानूंगा ही नहीं, मैं सरकार को डिसबैंड कर रहा हूं और सीधे लीड करूंगा। मतलब एक प्रकार का कूप का सिग्नल दे दिया यहां पे किसने, पेड्रो कैस्टिलो ने। अब जब पेड्रो कैस्टिलो ने कूप का, कूप अपने आप में कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट और डेमोक्रेटिक सेक्टर को हिलाने वाला हो जाता है, तो इस बात को लेके पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास पेरू की एक्शन में आ गई। पेड्रो कैस्टिलो को कुर्सी से हटा दिया गया और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट बोलार्टे डीना बोलार्टे को यहां पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। हालांकि मैं आपको यह बता दूं डीना बोलार्टे को जल्दी जल्दी में प्रेसिडेंट बनाया गया ताकि पेड्रो कैस्टिलो कुछ उल्टा सीधा काम ना कर पाए, डीना बोलार्टे यहां पे प्रॉपर तरीके से लीड कर पाएंगी इस बात के चांसेस अभी भी क्लियर देखिए हैं नहीं। डीना बोलार्टे ने अपनी शपथ में यह बोला कि जितना भी कैस्टिलो का बचा हुआ टर्म है अंटिल जुलाई 2026 में प्रॉपर तरीके से लाज करूंगी। मैं चाहती हूं कि जो भी लेफ्ट विंग तबके हैं राइट विंग तबके हैं वो आपस में ना भिड़े, पेरू के डेवलपमेंट के लिए काम करें, मेरी सरकार को सपोर्ट करें। अब डीना बोलार्टे का अगला चैलेंज यह है कि इनको अपना पहला मिनिस्टीरियल कैबिनेट अपॉइंट करना है और इस मिनिस्टीरियल कैबिनेट को अपॉइंट करने के लिए उनको बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्शन से बातचीत करनी पड़ेगी जिसमें लेफ्ट राइट और उनके भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, और पॉलिटिक्स में अपने आप के लिए सपोर्ट जुटा पाना ये आसान नहीं है। लेट्स सी डीना बोलार्टे यहाँ पे कितनी सक्सेसफुल होती हैं। इस न्यूज़ ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, आगे इसमें जो भी अपडेट होंगे मैं बताऊंगा। अब आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पर। देखिए एडिटोरियल पर आज तो बहुत सारे आप कह लो पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल्स मुझे उतने समझ में आए नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ।
वो है जर्मनी से रिलेटेड। जर्मनी में एक सिटिंग जज, एक फॉर्मर एलीट पैराट्रूप कमांडर और एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट किया गया। टोटल 25 लोगों को अरेस्ट किया गया जर्मन अथॉरिटीज के द्वारा, जिसमें तीन बड़ी बड़ी अथॉरिटीज भी हैं। एक नेशन वाइड क्रैकडाउन चल रहा है जर्मनी के अंदर, और ये क्रैकडाउन चल रहा है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट जो जर्मनी के अंदर की डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। जर्मनी में बहुत सारे फार राइट ग्रुप उभर के आ रहे हैं, इनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और खास बात यह है कि जर्मनी की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, आर्मी है, पुलिस है, इनके सर्विंग और रिटायर्ड मेंबर्स के अंदर ओवरऑल इस फार राइट आइडियोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा आप कह लो सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आप देखो तो जर्मनी में जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो एक ग्रुप को बिलोंग करना है जिसका नाम है रिचसबर्गर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप सिटीजंस ऑफ द रिच। ये एक फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो इंपीरियल जर्मनी हुआ करता था, कुछ उस प्रकार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में भरोसा रखते नहीं। और यूएस बेस्ड एक फार राइट कम्युनिटी है क्यूनॉन नाम की, उसकी कॉन्स्पिरेसी थीरीज जो कि काफी वायलेंट होती है उससे भी इंस्पायर्ड है ये रिचसबर्गर नाम के जो जर्मनी ग्रुप वाले हैं। और इनका प्लान ये था, अथॉरिटीज का ये बोलना है, अथॉरिटीज के वर्जन के हिसाब से, कि इस रिचसबर्गर ग्रुप का प्लान ये था कि बुंडेसटैग को टारगेट करेंगे, जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार को गिराएंगे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो इंपीरियल स्ट्रक्चर था जर्मनी के अंदर उसको एस्टैब्लिश करेंगे। और इन सब की प्लानिंग 71 साल का ये जो हेनरिच 13 है, प्रिंस र्यूस, ये कर रहा था, जो कि फॉर्मर पैराट्रूप कमांडर रह चुका है जर्मनी के अंदर। एंटी सेमेटिक डॉग विसल्स के लिए माना जाता है ये प्रिंस र्यूस। एंटी सेमेटिक मतलब जो ज्यूस के अपोजिशन वाली जो सोच है। मॉडर्न जर्मन रिपब्लिक की आइडियोलॉजी को यह मानता नहीं है, उसको ये इल्यूजन मानता है। ओवरऑल एंटी सेमिटिक एक्सट्रीमिज्म वाला जो फैक्शन है ये कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर एक आग पकड़ रहा है। और अगर आप देखो तो जर्मनी हिटलर के अंदर क्या करता था, ज्यूस को ही तो मारता था। उस प्रकार की एक फार राइट, हालांकि हिटलर का यहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा है, बट वो इंपीरियल नॉस्टैल्जिया, एक समय पे जर्मनी जो कि एक डेमोक्रेटिक देश नहीं, एक टोटलिटेरियन स्टेट था, उस टोटलिटेरियन स्टेट जैसा स्टेट को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, एक एंटी सेमिटिक व्यू पॉइंट लेने की बात की जा रही है। और फार राइट एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा वायलेंट इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं। 2019 में एक सेंटर लेफ्ट लोकल पॉलिटिशियन को वेस्टर्न जर्मनी में मार दिया गया। एक सिनागॉग जो कि ज्यूस की पूजा करने की जगह है, वहां पे ईस्टर्न जर्मनी में एक अटैक हुआ, दो लोगों की जान चली गई। अगर आप देखो तो कमांडो स्पेशल क्राफ्टे नाम की एलीट स्पेशल फोर्सेज यूनिट थी, इसको जर्मनी की सरकार ने डिसबैंड कर दिया, चूंकि उसके अंदर भी फार राइट एलिमेंट का जो ओवरऑल तेवर था वो बढ़ रहा था। और देखिए उसकी बहुत सी वजह है। जर्मनी की जो प्रेजेंट सरकार रही है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग रही है। अगर आप देखो तो जब ये सीरिया सिविल वॉर की क्राइसिस हुई थी तो बड़े तादाद में सीरिया से जो इमिग्रेंट्स है वो जर्मनी के अंदर पहुंचे। ये बात बहुत सारे जर्मन लोगों को पसंद नहीं आई। जर्मनी को ये लगा, जर्मनी में बहुत से लोगों को ये लगा कि यार ये क्या बवाल चल रहा है, दुनिया भर से आप लोगों को उठा के हमारी कंट्री में रख लो, क्या हमारे पास बहुत ज्यादा जगह है क्या? क्योंकि आप देखो कि बाकी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को उस लेवल पे आप कह लो इनवाइट नहीं किया जिस लेवल पे जर्मनी ने इनवाइट किया। तो कहीं ना कहीं ये इसी फिनोमिना के चलते ये जो फार राइट एलिमेंट्स है जर्मनी की पॉलिटिक्स में, ये धीरे धीरे करके बहुत एक्टिव और एग्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल होते जा रहे हैं। एक और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है आपका जर्मनी के अंदर, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD। 2013 में इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने 5% वोट भी नहीं जीते थे, लेकिन लास्ट ईयर बुंडेसटैग जर्मन पार्लियामेंट में 83 सीट्स जीती हैं इस AFD में। अब भले ही AFD वायलेंट तरीकों को अपना अप्रूवल नहीं देता और ओपनली नहीं मानता रिचसबर्गर की फिलॉसफी को, बट कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी मैच होती, तो कल की डेट में अगर कोई वायलेंट रेवोल्यूशन होता है तो AFD सपोर्ट कर सकता है रिचसबर्गर को, इस बात के चांसेस हैं। जर्मनी के अंदर हॉरिफिक नाजी पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो भी अलाइव हैं। इन एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से रोकने की जरूरत है, क्योंकि कल की डेट में ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है भाई, फिर गुजरात के अंदर जो मोदी जी की सरकार जीती है इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी ने हिला के रख दिया गुजरात को, भले ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की सिविक इलेक्शंस में हारी है बीजेपी, हिमाचल प्रदेश में हारी है, बट जिस लेवल पे बीजेपी गुजरात में जीती है उसने पीछे ही छोड़ दिया सबको। 182 सीट्स में से 156 सीटें जीत गई हैं यहाँ पे बीजेपी। तो भले ही गुजरात के अंदर हाई प्राइस राइज का इशू, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, COVID-19 का, मोरबी डिजास्टर का, उसके बावजूद भी गुजरात के अंदर बीजेपी तगड़ी डोमिनेंट है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाई है। एक क्वेश्चन ये उठाना जाए कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के थ्रू क्यों नहीं निकली? पिछली बार गुजरात में जब राहुल गांधी ने कैंपेनिंग की थी 77 सीट जीती थी कांग्रेस ने, इस बार कोई कैंपेनिंग हुई नहीं, तो वो क्यों नहीं हुई ये भी समझ में नहीं आया। भूपेंद्र पटेल जो कि अगर आप देखो तो पॉलिटिक्स में कंपेरेटिवली नए हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, एक ही साल हुआ है इनको चीफ मिनिस्टर बने हुए, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो इनके रोल में कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडरशिप को भरोसा है। फिर ऐसा नहीं कि गुजरात के अंदर इश्यूज नहीं हुए, पाटीदार आप कह लो जो डिस्पेंसेशन था उसने ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी बवाल किया। फिर अगर आप देखो तो जो ट्राइबल रीजन है साउथ गुजरात का, वहाँ पे ये जो महाराष्ट्र गुजरात पार तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, इसके अगेंस्ट अपोजिशन हुआ, उस अपोजिशन के रिस्पेक्ट में बीजेपी ने प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया। कांग्रेस ने भी बहुत से एजिटेशंस लीड किए हैं गुजरात में, जिसमें कांग्रेस सक्सेसफुल भी रही है, कैटल मिनिस को लेकर काफ़ी एजिटेशन रहा है। तो नो डाउट ट्राइबल्स, मलधारीज, पाटीदार, गुजरात में बहुत सी कम्युनिटीज है जिन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, बट उसके बावजूद जिस मेजॉरिटी से यहाँ पे बीजेपी जीती है, इससे एक बात पता चलती है कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मोदी जी की पॉपुलैरिटी है बीजेपी में, मतलब गुजरात में। फिर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी फेलियर यहाँ पे बताई जा रही है, और खासकर आम आदमी पार्टी ने जो थोड़ा बहुत वोट बेस अपनी तरफ खींचा है गुजरात के अंदर, इससे और बात पता चलती है कि जो थोड़ा बहुत स्पेस था कांग्रेस के लिए वो भी किसके पास जा रहा है, आम आदमी पार्टी के पास यहाँ पे जा रहा है। जो रूरल और ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे बीजेपी ने अपना इनग्रेस किया है, आम आदमी पार्टी की वहाँ पे जो पकड़ हट रही है। राहुल गांधी की जो कैंपेनिंग थी 2017 के गुजरात इलेक्शन से पहले, वो इस बार गुजरात में नहीं हुई है, तो इसको एक फेलियर बताया जा रहा है। पिछली बार जब कैंपेनिंग हुई थी गुजरात के अलग अलग रीजन्स में जाके, खुद राहुल गांधी जी ने लोगों के साथ एंगेज किया था, 77 सीट्स कांग्रेस ने जीती थी, इस बार वो भी कोशिश नहीं की यहाँ पे राहुल गांधी जी ने। तो ओवरऑल ये सब बातें यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें हैं। अब यहाँ पे हिमाचल, भैया कांग्रेस जीत गई हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी रिलीजियस एजेंडा फैला रही, कुछ इस प्रकार की बातें देवेंद्र शर्मा साहब बोल रहे हैं। तो ये बहुत हद तक आप कह लो कि पॉलिटिक्स, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना ही उसके अगेंस्ट बोलने वाली बात है, तो उतना यहाँ पे बात करने की जरूरत है नहीं। जैसे विनिंग फार्मूला वाले सीन में देखो तो बीजेपी इस 5 साल के टेन्योर को जीतने के बाद 32 साल तक गुजरात में डोमिनेंट रहेगी, और अब तक सबसे बड़ा रूल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का लगातार वेस्ट बंगाल में रहा है 34 साल तक, लेफ्ट फ्रंट का 2011 में खत्म हुआ था, अब तृणमूल कांग्रेस का राज वहां पे चल रहा है। तो बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से गुजरात को जीत लिया है, ये सब बातें हैं, मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, इसलिए मैं इसको कन्वीनियंटली स्किप कर रहा हूँ। ऐसी कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है नहीं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपका कुछ छूट जाएगा। इस प्रकार की बातें पॉलिटिक्स में चाय के टेबल पर डिस्कशन में काम आती हैं, एग्जाम से इनका कोई लेना देना है नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, इससे वीडियो की जो रिकमेंडेशन है यूट्यूब के एल्गोरिथम में उसको एक जोर मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।